राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को 5 दिवसीय उत्सव दीपावली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। 5 दिवसीय में सबसे पहला उत्सव होता है धनतेरस। तो धनतेरस का प्रारंभ हो चुका है और धनतेरस की खरीदारी आप लोगों ने माइंड सेटअप कर लिया होगा। हमें क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि धनतेरस 22 तारीख को है या 23 तारीख को। तो जो धनतेरस है वो 23 तारीख को मनाया जा रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म में सभी जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो उदिया तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। और 22 तारीख को जो धनतेरस है वो शाम को 6:10 से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन उदिया तिथि के अनुसार धनतेरस जो है वो 23 तारीख को मनाया जाएगा। तो धनतेरस पे आप लोग खरीदारी करना आम बात है। आप क्या खरीद के लेके आ सकते हो, बताऊंगी आपको कुछ चमत्कारी चीजें, जिसको घर पे लेके आने से पूरी साल धनवंतरी की कृपा, कुबेर भगवान की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और वो आपका घर छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जो आपका खरीदारी का मुहूर्त है वो कितने बजे है। तो आपको जो खरीदारी करनी है वो 2:10 से लेकर 3:15 तक के बीच में करनी है, अर्थात 23 तारीख को 2:10 से मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है, जिसको विजय मुहूर्त कहते हैं। इस टाइम पे कुछ भी करने से हमें वो चीज की विजय प्राप्ति होती है। तो खरीदारी इस टाइम पे करना है, क्या क्या खरीदना है, क्या क्या नहीं खरीदना, क्या क्या नहीं खरीदना, इस पे पहले डिटेल में एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज की वीडियो है कि हमें क्या क्या खरीदारी करनी है। तो नंबर एक और बहुत जरूरी बात आप लोगों को बताऊंगी, नंबर एक पे है श्रीयंत्र। जी हाँ, एकदम सही समझा आपने, श्रीयंत्र आपको इस दिन जरूर लेके आना है। श्रीयंत्र आ गया ना, आप समझ लीजिए ये श्रीयंत्र है, ये माता लक्ष्मी, अगर श्रीयंत्र आ गया तो माता लक्ष्मी खिंची चली आएंगी। तो आपको श्रीयंत्र अवश्य खरीदना है। आप सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबे का, आप किसी भी धातु का, प्लास्टिक का नहीं खरीदना। अगर किसी भी चीज का ना मिले तो कागज का श्रीयंत्र आता है, जिसपे कागज के श्रीयंत्र बने होते हैं, तो वो जरूर खरीद के लेके आ सकते हैं। सबसे सस्ता आता है कागज का, 10-20 रुपए का आता है, उसको आप मड़वा लीजिएगा, मड़वा रहे अंदर से फ्रेम करवा लीजिएगा, ओके। तो आपको श्रीयंत्र अवश्य खरीदना है ताकि माता लक्ष्मी खिंची चली आए। तो आपको श्रीयंत्र जरूर और जरूर खरीदना है, नंबर वन चीज है। नंबर दूसरी चीज जो आपको खरीदनी है वो है कौड़ियां। आपको 5 कौड़ियां या फिर 7 कौड़ियां जरूर लेनी है, जिसकी पूजा अर्चना वंदना आपको धनतेरस पे भी करनी है और दिवाली पे भी करनी है। और जो कौड़ियां आप लेते हो ना, तो वो कौड़ियां को आपको अभिमंत्रित करके अपने, अर्थात दीपावली पे, धनतेरस पे उसकी पूजा अर्चना वंदना करके आप यहाँ पे भी पैसे करके स्टोर रखते हो, यहाँ पे भी पैसा रखते हो, वहां पे रखना है वो उपाय मैं बताऊंगी जरूर, लेकिन 5 कौड़ियां जरूर खरीदनी है, क्योंकि जो कौड़ियां होती है वो माता लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचती है। देखिए, खरीदारी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से सही चीजें अगर लेके आई जाए तो उसका बहुत ज्यादा शुभ फल आपको प्राप्त होता है, ये आपको पता ही होता है। तीसरी चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सभी के घर में आती है झाड़ू। झाड़ू को कहते हैं, पैर भी लग जाता है ना, तो झाड़ू को हम 3 बार पूछते हैं। जो हमारे घर की सफाई करती है, झाड़ू पे माता लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, कहते हैं कि झाड़ू को खड़ा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, बाहर से कोई आए तो वो हमारी झाड़ू देखे भी ना, झाड़ू को इस प्रकार से रखना चाहिए। तो आपको अगली चीज झाड़ू जरूर खरीदनी है, झाड़ू आपको सीको वाली खरीदनी है, इस बात का ध्यान रखना है। आप झाड़ू की संख्या 1, 3, 2 नहीं खरीदनी, लोग क्या करते हैं 2 झाड़ू लेंगे, 2 नहीं, कोई कोई तो पूरे साल भर की झाड़ू लेके आ जाता है, तो वो आप पे निर्भर करता है आपको कैसे लेके आनी है। आप एक से कम एक तो अवश्य खरीदें, उसके बाद आप 3 भी खरीद सकते हैं, 5 भी खरीद सकते हैं, 7 भी खरीद सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। और चौथी चीज और बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है धान। दीदी, धान कौन खरीदता है? चावल का संबंध माता लक्ष्मी से होता है, तो आपको इस दिन चावल जरूर खरीदने। मैं ये नहीं कह रही कि 50 किलो चावल लेके आ जाओ, लेकिन कुछ धान आपको अवश्य खरीदना है। आप चाहो तो साबुत गेहूं भी खरीद सकते हो, ये नहीं कि पिसा हुआ आटा चलेगा क्या दीदी, ऐसा नहीं चलेगा। या फिर किचन का सामान चलेगा, तो किचन के सामान में रिफाइंड नहीं खरीद सकते, मसाले नहीं खरीद सकते आपको। तो मैं किचन के सामान की बात नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट बात कर रही हूँ, केवल धान खरीदना है, साबुत वो खरीदना है, तो इस दिन आपको जरूर खरीदना है, कुछ चावल खरीदने। देखिए, चावल खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखना है, चावल आपको खंडित नहीं खरीदने, समझ रहे हो ना आप मेरी बात,
खंडित नहीं खरीदने, मेरा मतलब है चावल आपको अक्षत खरीदना है, चावल भी नहीं खरीदना। चावल में कुछ खंडित हो सकता है लेकिन अक्षत में बिल्कुल भी चीज खंडित नहीं होती। अक्षत जिसका एक भी अक्षर ना हो, खंडित जो हमेशा अक्षर रहता है वो अक्षत होता है, और चावल हमेशा अक्षर रहते हैं। तो आपको चावल खरीदने हैं जिसका एक भी दाना खंडित ना हो। आप 10 रुपए के, 20 रुपए के, 30 रुपए के, 40 रुपए के, 1 किलो, 2 किलो, अकॉर्डिंग टू योर सामर्थ्य के अनुसार खरीद सकते हैं। पांचवी चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जिसको खरीदना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है धनिया। साबुत धनिया खरीदा जाता है धनतेरस पे, और साबुत धनिया की पूजा अर्चना वंदना होने के बाद उसको दिवाली वाले दिन, दिवाली की जो दिन होता है, उसमें गमले में डाल के उगाया जाता है, और वो आपको दर्शाता है कि पूरे साल आपकी कितनी तरक्की होने वाली है। तो इसके बारे में तो बाद में डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन खरीदना आपको धनिया ही होता है इस दिन, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। चलिए छठी चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको क्या खरीदना है, आपको कुबेर यंत्र भी खरीदना है। देखिए अभी मैंने श्री यंत्र आपको बताया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुबेर जी की भी पूजा अर्चना वंदना इस दिन होती है, तो आपको कुबेर यंत्र भी अगर मिल जाता है तो खरीद लीजिए। आप सोने चांदी इस्तफिक किसी भी चीज का कुबेर यंत्र खरीद सकते हैं, और कुबेर यंत्र की इस दिन विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है, वो आगे आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी कि किस प्रकार से पूजा अर्चना वंदना इस दिन होती है, वो आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सातवीं चीज बताने जा रही हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए इस दिन सोना खरीदने से इंपॉर्टेंट होता है चांदी खरीदना, ठीक है। मैं बोल सकती थी डायमंड खरीद लो, है ना, लेकिन डायमंड खरीदना इस दिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, सोने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है चांदी। तो इस दिन आपको चांदी जरूर खरीदनी चाहिए। अब आप कहोगे दीदी हम तो हर साल ही एक चांदी का सिक्का खरीदते हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये इस साल भी आपको चांदी का सिक्का खरीदना है। मेक श्योर चांदी का सिक्का खरीदते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि चांदी पे लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा बनी हो, और लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा ऐसी बनी हो कि जो गणेश जी हैं वो भी विराजमान हो रखे हो, और बैठी हुई प्रतिमा हो, लक्ष्मी जी हो वो भी बैठी हुई प्रतिमा हो, खड़ी हुई ना हो, ठीक है ना। तो खड़ी हुई लक्ष्मी जी होंगी तो वो बड़ी चंचल होती है लक्ष्मी जी, 2 मिनट में निकल जाएंगे आपके घर पे, एंट्री करी और बस मैं जा रही हूँ, बैठेंगे भी नहीं। अर्थात पूरे साल टिका के रखना है, तो लक्ष्मी जी को बैठा के रखना है अपने घर पे, तो बैठी हुई प्रतिमा खरीदनी बहुत ज्यादा जरूरी है इस दिन। और साथ ही के साथ आपको इस दिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो खरीदनी है, अगर आप नए लक्ष्मी गणेश जी दिवाली पर लेके आ रहे हो, अगर पुराने हैं और अगर खंडित नहीं है, तो मैंने उस पर वीडियो बना रखी है कि आप उसकी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो, चाहे वो मिट्टी के हो चाहे किसी भी चीज, लेकिन अगर आप नए लक्ष्मी गणेश जी लेके आना चाहते हैं तो जो धनतेरस है वो एकदम राइट टाइम है लक्ष्मी गणेश जी लेके आने का। आप चांदी का, पीतल का, धातु का, किसी भी चीज के, देखिए प्लास्टिक के नहीं लेके आने, चीनी मिट्टी के नहीं लेके आने, मिट्टी के लेके आ सकते हो, नोट चीनी मिट्टी, ठीक है, चीनी मिट्टी अलग है, मिट्टी अलग है, तो मिट्टी के लेके आ सकते हो, चांदी के लेके आ सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना है, लक्ष्मी जी अगर आप खरीद रहे हो तो उनके हाथ से वो जो पैसा निकलता है वो हो। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि लक्ष्मी गणेश खरीदते वक्त किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वीडियो ना बहुत ज्यादा फिर लंबी हो जाएगी आप लोगों के लिए, तो इसके ऊपर मैं डिटेल में दूसरी वीडियो बनाऊंगी। तो ये 8 चीजें आपको अपने घर पे अवश्य कि आनी है धनतेरस वाले दिन। अब इनमें से कोई 5 चीजें भी सिलेक्ट कर सकते हो, और मैंने कोई ऐसी चीज नहीं बताई जो करोड़ों रुपए की आए, कोई ऐसी चीज नहीं बताई, ये मैंने बहुत सस्ती चीजें बताई हैं कि आपको नंबर 1 पे श्री यंत्र खरीदना है, चावल खरीदने हैं, कुबेर भगवान का यंत्र खरीदना है, कुबेर भगवान की कोई प्रतिमा भी आप खरीद सकते हैं, अगर कुबेर यंत्र आपको ना मिले तो कोई प्रतिमा आप भी खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको चांदी का सिक्का खरीदना है, आपको झाड़ू खरीदनी है, आपको साबुत धनिया खरीदना होता है इस दिन। देखिए हल्दी, जो हल्दी की गांठे होती है ना, वो खरीदना भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपको माता रानी के लिए कौड़ियां खरीदनी है, और लक्ष्मी गणेश कि अगर प्रतिमा मिल जाए तो वो खरीदनी है। ये 8 चीजें आपको मैंने बताई हैं, और ये चीजों में से कोई 5 भी चीजें खरीद सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो भी खरीद सकते हैं वो आप इस दिन अवश्य खरीदिए। लेकिन जो चीजें नहीं खरीद सकते उसके ऊपर मैं पहले ही डिटेल में वीडियो बना चुकी हूं कि आपको एल्युमिनियम की चीज नहीं खरीदनी, लोहे की चीज नहीं खरीदनी है, आपको एल्युमिनियम नहीं खरीदना, लोहा नहीं खरीदना, कांच नहीं खरीदना, प्लास्टिक नहीं खरीदनी, आपको काली चीजें नहीं खरीदनी, नॉन स्टिक बर्तन नहीं खरीदने, तेल नहीं खरीदना, रिफाइंड नहीं खरीदना होता है इस दिन,
तो इन बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, कोई भी चीज आपने खरीदी और डायरेक्ट घर पे लेके आ गए, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले होती है उसकी दहलीज पूजन। अगर आप किसी भी चीज को धनतेरस पे लेके आ रहे हो तो उसकी दहलीज पूजन की अपनी एक परंपरा है। झाड़ू लेके आ रहे हो तो झाड़ू पूजन की अपनी परंपरा है। चांदी लेके आ रहे हो तो चांदी की अपनी परंपरा है। कोई बर्तन अगर आप खरीद रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिए, बर्तन लोहे का नहीं होना चाहिए, नॉन स्टिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही इन 8 चीजों के अलावा आप बर्तन खरीद सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि बर्तन किस चीज का नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक का, कांच का, एल्युमिनियम का, लोहे का, नॉन स्टिक, ये 5 बर्तन नहीं खरीदने हैं। और अगर कोई बर्तन खरीद रहे हो तो उसमें धान लेके आइए, अर्थात चावल जो भर के लेके आने हैं वो उसमें लेके आइए, बहुत अच्छा होता है। देखिए, धन्वंतरी जी जब प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से त्रयोदशी वाले दिन, तो उनके हाथ में एक कलश था और तभी से कलश खरीदने की परंपरा रही है। आप चांदी का एक कलश भी खरीद सकते हो, लड्डू गोपाल के चांदी के बर्तन भी खरीद सकते हो, चांदी के पायल, बिछू इत्यादि भी खरीद सकते हो। अगर सिक्का नहीं खरीदना चाहते, वैसे सिक्का सर्वोत्तम है, आप चाहो तो गोल्ड भी कुछ खरीद सकते हो, नाक की छोटी सी लौंग आप खरीद लीजिए, बहुत ज्यादा पैसों की नहीं आएगी, 1000 की रुपए की आएगी ज्यादा से ज्यादा। कानों के कुछ खरीद सकते हो, रिंग खरीद सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस दिन मंगलसूत्र बिल्कुल भी नहीं खरीदा जाता। दीदी, क्या हम मंगलसूत्र खरीद ले? तो नहीं खरीद सकते, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये काला मोती होता है, तो वो काली चीजों कोई भी अशुद्ध होता है। अच्छा, इन चीजों को घर पे लाने की जो तिथि है वो मैंने आपको बता दी कि घर पे इसको आपको खरीदना है 2 बजे से 23 तारीख को। 2 बजे आप मार्केट में चले जाइए और 3 बजे तक आप इनको अपने घर पे लेके आ जाइए। फिर आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। आप 22 तारीख को भी खरीद सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि विजय मुहूर्त जिस दिन है आपको उस दिन खरीदेंगे तो उसका शुभ फल आपको मिलेगा। यम का दीपक कैसे जलाना है, यम के निमित्त दीपक कैसे जलाना है, कितने दिन तक जलाना है, कौन सी दिशा में जलाना है, धनतेरस की पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है ताकि माता लक्ष्मी कभी भी रुष्ट होकर आपसे ना जा पाए, इसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो आने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको मेरा चैनल लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।